ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो इसे हम क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें समझाने वाले हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे। देखो, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के बराबर जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड करना है के इफ थ्री लाइज बिटवीन रूट्स। हर एक क्वेश्चन के साथ चीजों को समझते जाना है बच्चों, ध्यान से समझो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें के का वैल्यू निकालना है, और इस के वैल्यू को निकालने में जो तीन है वह रूट्स के बीच में रह रहा है। मान लो इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा निकल रहा है, क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर मूल जो है अल्फा बीटा निकल रहा है, तो तीन अल्फा बीटा के बीच में रह रहा है, माने तीन से अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, यह तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। इसमें के निकालना है, तो पहला कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अगर रूट्स निकल रहे हैं तो उसमें डी का मान हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। पहला बात यह ध्यान दो, डी का मान होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यह एक कंडीशन है, इसको कर लेना है, फोर स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है बच्चों, तो 16 और यहां पे आ गया 4 के, तो के जो आया 4 से छोटा आया। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पिछला क्लास का क्लास नहीं देखा है लास्ट का, वो जरूर देख ले। ध्यान दो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीका के ग्राफ होते हैं, एक ऐसे ग्राफ होता है और एक ऐसे ग्राफ होता है। यह ग्राफ कब होता है, जैसे क्वाड्रेटिक का अगर द्विघात समीकरण का बात किया जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। अगर ए का मान प्लस में हो तो ग्राफ का ऐसा मुंह खुलता है, और ए का मान अगर माइनस हो तो ग्राफ का ऐसा मुंह खुलता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, प्लस, तो ग्राफ कौन सा होगा, यह होगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा वह इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। इसमें दो रूट्स मिल रहे हैं, तो यानी कि एक्स एक्सिस को यह दो जगह काटेगा, मतलब वाई बराबर जीरो यह दो जगह होगा, एक अल्फा पॉइंट पर और एक बीटा पॉइंट पर, और तीन कहीं इसके बीच में होंगे। समझ गए बच्चों? तो कहने का मतलब है कि यह वाई बराबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मतलब यह वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के है, और इस इक्वेशन में यह इक्वेशन जीरो हो रहा है किसी अल्फा पॉइंट पर और जीरो हो रहा है किसी बीटा पॉइंट पर, और अल्फा बीटा के बीच में तीन है कहीं, समझ लो। तो अगर हम एक्स की जगह पर अल्फा भरेंगे तो यह जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह अगर बीटा भरेंगे तो यह वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीन भरेंगे अगर तो तीन के लिए ग्राफ का वैल्यू किधर है, नीचे है, यह बाबू वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस ऐसी होता है वाई एक्सिस। तो तीन अगर हम भरेंगे तो तीन भरने पर मेरा ग्राफ किधर है, जीरो है। यहां का कोई वैल्यू भरेंगे तो ग्राफ ऊपर है, मतलब प्लस में है, और यहां पे ग्राफ भरे तीन भरने पर ग्राफ का वैल्यू क्या है, माइनस में है। यानी एक्स के जगह अगर हम तीन भरते हैं तो जो मेरा वाई है वह नीचे है, निगेटिव है वाई। देखो यह एक्स एक्सिस है, इधर वाई प्लस होता है और इधर वाई माइनस होता है, तो तीन भरने पर वाई का वैल्यू क्या है, नीचे है, मतलब माइनस है। तो तीन भरो, थ्री का स्क्वायर फोर इंटू थ्री प्लस के निगेटिव है, तो यहां पे आ गया कितना बाबू, के जो है वह छोटा आ गया 12 और 9 21, मैंने माइनस 21 से छोटा हो गया। यहां पे कह रहा था कि 4 से छोटा लो, और यह कह रहा है माइनस 21 से छोटा लो, तो क्या लोगे, तो दोनों खुश रहेगा। तो एक वो बोल रहा है कि 4 से छोटा लो, एक बोल रहा है 4 से छोटा लेना है हमेशा वैल्यू, एक बोल रहा है माइनस 21 से भी छोटा लो, तो माइनस 21 से छोटा लोगे तो 4 से छोटा तो अपना बने हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, के का, के का वैल्यू होगा माइनस 21 से छोटा, यानी जो के है उसका वैल्यू माइनस 21 से छोटा लोगे तो तीन जो होगा वह रूट के बीच में रहेगा। बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, बार बार सोचो ये क्वेश्चन को।
कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण अगर होगा तो उसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा। यानी यह जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा क्योंकि दो जगह वाई जीरो होगा, और तीन जो होगा तीन उस टाइम में ग्राफ क्या है नीचे है तो निगेटिव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन उसके पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट्स के बीच में अगर वैल्यू रहेगा तो बस निगेटिव कर देना है, बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नोट कर लेना, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। जब तुम बड़े कंपटीशन दोगे ना, बहुत बड़े बड़े जब कंपटीशन दोगे तो इस तरह के सवाल तुम्हें पूछे जाते हैं। छोटा छोटा कंपटीशन में यह सब सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बड़े कंपटीशन में यह सब सवाल पूछे जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के बराबर जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर है बच्चों। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि टू बोथ रूट्स, दोनों रूट्स जो होंगे इसके आर, दोनों रूट्स जो होंगे इसके, दो जो रियल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स होंगे आर लेस देन, छोटे होंगे टू से, दोनों रूट टू से छोटे होंगे। तो पहला बात इसमें कि अगर इसका रूट निकलेगा तो डी पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर बराबर इधर बड़ा हो गया फोर के, फोर फोर कट गया के जो आया वन से छोटा आ गया। इतना बात तो समझ लो कि रूट्स का बात कर रहा है, रियल रूट्स का बात कर रहा है तो के वन से छोटा लेना पड़ेगा। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बाबू देखो, क्वाड्रेटिक का दो तरह का ग्राफ होता है, या तो ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ ऐसा होगा, माइनस मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ ऐसा होगा। तो यहां पे मेरा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस मल्टीप्लाई दिया है तो ग्राफ कैसा होगा ऊपर, यानी यह ग्राफ होगा ऊपर। इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट अल्फा होगा एक रूट बीटा होगा, और बोल कह रहा है कि दो से दोनों रूट छोटे होंगे, मतलब अल्फा और बीटा जो दोनों हैं वह दो से कम होगा, तो दो इधर होगा ना, ठीक है। तो दो जब इधर होगा बच्चों ध्यान समझो, दो इधर होगा तो दो जो होगा वह रखने पर मेरा ग्राफ कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है। देखो ध्यान दो, दो एक्स की जगह मेरा वाई की जगह है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के है, ठीक है बाबू। अल्फा भरोगे तो जीरो मिल जाएगा भाई, बीटा मिलोगे तो जीरो मिल जाएगा, जीरो हो रहा है अल्फा और बीटा पर। एक्स एक्सिस पर मेरा वाई क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो वाई जीरो हो रहा है अल्फा बीटा पर, और दो इन दोनों से बड़ा है तो बड़ा दो अगर है तो दो का मान भरने पर मेरा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी एक्स की जगह अगर दो रखोगे तो वाई का मान मेरा क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। देखो दो अगर यहां रहता तो छोटा था, दो यहां, इस ग्राफ को बढ़िया समझ लो, ग्राफ इधर है और दो यहां है तो दो भरने पर मेरा ग्राफ का नेचर किधर है, प्लस में है, समझो। यानी कि वाई दो भरो यहाँ पे, टू स्क्वायर टू इंटू टू प्लस के जीरो से बड़ा, तो के जो आया माइनस आठ से बड़ा आया। यह कह रहा था कि वन से छोटा लो, यह कह रहा है माइनस आठ से बड़ा लो, तो दोनों बातों को मिलाते हैं अगर तो एक बोल रहा है माइनस आठ से बड़ा लो और एक बोल रहा है वन से छोटा लो। इसका अर्थ यह हुआ कि k का वैल्यू जो हुआ वो माइनस आठ से बड़ा और एक से छोटा, तो k का यह वैल्यू अगर होगा तो रियल रूट्स भी देगा और इसका जो रूट्स होंगे वह दो से दोनों छोटे भी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना है तुम्हें कि लोकेशन दिखाना है कि रूट्स कहाँ है और जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर मेरा कहाँ है। इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान पूर्वक मेहनत करके चीजों के सबको समझोगे तो बना लोगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेहनत करके समझो कैसे कैसे हम लोग ग्राफ, इसको देख के ग्राफ कैसे खींचे, दो जगह जीरो होगा तो एक जगह अल्फा एक जगह बीटा होगा, दो कहाँ होगा तो कहाँ बोल रहा है दोनों रूट दो से छोटा कर रहा था, दो यहाँ होगा तो दो भरने पर वैल्यू कैसा मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, भर दिए बन गया। आगे बनाते हैं, इसको बाबू नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट जानना एक प्लस टू के विद्यार्थी को बहुत ही स्पेशल होता है,
इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करना है, पढ़ते रहना है। बहुत बार क्या होता है कि पहला 5 मिनट का चीज बच्चा लोग को नहीं भूल जाता है तो वह क्लासेज को स्किप कर जाते हैं। ऐसे न करें, अंत तक देखें चीजों को, पूरा कंप्लीट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के बराबर जीरो दिया है। ठीक है बाबू, वन रूट, एक रूट जो है इज लेस देन -2, एक रूट -2 से छोटा है, एंड अदर रूट, एक रूट जो है इज ग्रेटर देन 1, एक रूट 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फाइंड करना है के का मान, अगर यह सभी कंडीशन मेरे दिख रहे हैं। तो पहला बात कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें देखो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, प्लस लगा हुआ है तो ग्राफ ऐसे होगा, अल्फा यहां होगा और बीटा यहां होगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक रूट जो है वह -2 से छोटा है, तो -2 कहीं यहां होगा, एक रूट -2 से छोटा होगा, और दूसरा रूट जो होगा वह होगा यहां 1, और दूसरा रूट 1 से बड़ा है। एक रूट -2 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है, यानी -2 और 1 रूट्स के बीच में रह रहे हैं, यानी एक्स बराबर -2, एक्स बराबर नंबर -2 एंड 1 लाइज बिटवीन रूट्स, रूट्स के बीच में -2 और 1 रह रहे हैं। यह बात हम सीखे, तो इससे हम यह सीखते हैं बच्चों कि -2 रखने से यह निगेटिव होगा और 1 रखने से भी यह निगेटिव होगा। समझो ध्यान से, -2 रखने से यह निगेटिव होगा और 1 रखने से भी यह निगेटिव होगा। दोनों रखने से यह निगेटिव होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से यह पॉजिटिव भी हो जाएगा। बात समझो, एक अगर हम कहें कि x के जगह -2 रखे तो कुछ भी मिला वह निगेटिव मिला, और x की जगह 1 रखने से या निगेटिव मिला, तो दोनों निगेटिव नंबर जो मिला उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यह भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वह पॉजिटिव होगा। बात समझो बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान पूर्वक समझनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के को सोचे, तो यह जीरो अल्फा और बीटा पर हो रहा है, यह जीरो अल्फा और बीटा पर हो रहा है। x के जगह -2 रखने पर y मेरा निगेटिव आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो -2 का स्क्वायर 2 × -2 प्लस के निगेटिव आ रहा है, तो 4 − 4 प्लस के निगेटिव आ रहा है, 4 कट गया, के यानी 0 से छोटा आ रहा है। दूसरा बात है कि x के जगह 1 रखने से भी y निगेटिव आ रहा है। ठीक है, x के जगह 1 रखने से भी y निगेटिव आ रहा है, तो 1 + 2 प्लस के निगेटिव आ रहा है, तो k -3 से छोटा आ रहा है। समझिए बच्चों, k जो है वह -3 से छोटा आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ, एक कह रहा है तुम्हें कि 0 से छोटा लो और एक कह रहा है तुम्हें -3 से छोटा लो, तो क्या लोगे कि दोनों खुश रहेगा, -3 से छोटा, क्या लोगे कि दोनों को खुश रख सको, तुम्हें खुश रखने के लिए क्या करना होगा, कि जो होगा -3 से छोटा लेना पड़ेगा। समझ गए बच्चों, तो अगर ध्यान पूर्वक चीजों को समझो यह सारी बातें ध्यान देनी होंगी कि दोनों निगेटिव यानी दोनों रूट्स के बीच में लाइक कर रहा है, और तो कोई केस हो नहीं सकता है कि दोनों निगेटिव हो। समझिए बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स में रूट्स कहां पर रहेंगे उसके हिसाब से हमें के की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, सोचते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को, ध्यान दो बच्चों। अगर मान लो क्वेश्चन दिया है कि बोथ रूट्स
बोथ रूट्स लाइज बिटवीन, दोनों रूट जो है लाइज बिटवीन माइनस वन एंड टू, दोनों रूट माइनस वन और टू के बीच में लाई करे। तो दो रूट्स हैं इसके अल्फा और बीटा, माइनस वन और टू के बीच में लाई करने चाहिए। तो माइनस वन और टू के बीच में रूट्स तभी लाई कर सकते हैं जब माइनस वन भरने पे ग्राफ पॉजिटिव दे और टू वैल्यू भरने पे भी ग्राफ पॉजिटिव दे। समझ गए, माइनस वन भरने पर वैल्यू में यह पॉजिटिव नंबर दे और टू भरने पर भी यह पॉजिटिव नंबर दे, तभी यह दोनों रूट लाई कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान देना होगा, माइनस वन रख देंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, दो रख देंगे तब पॉजिटिव ले लेंगे, यह बात ध्यान देके तुम बना सकते हो। और उसके अलावा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या है? तो वन है, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा टू है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा क्या है? टू। अल्फा प्लस बीटा बाई टू क्या हो गया? वन। तो वन जो है इन दोनों के बीच में रहे, ठीक है, या जो है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में है तो कंडीशन को तो गड़बड़ा नहीं रहा है। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ पे x की जगह माइनस वन भरोगे तो y को फिर से तुम पॉजिटिव लोगे, तो वन माइनस माइनस प्लस टू, प्लस k जीरो से बड़ा तो k माइनस थ्री से बड़ा आ गया। x की जगह अगर टू भरोगे तो फिर से y पॉजिटिव लोगे तो फोर माइनस फोर, प्लस k जीरो से बड़ा तो k तुम्हारे जीरो से बड़ा है। तो इसके अनुसार, इन दोनों के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है, एक कह रहा है कि माइनस थ्री से बड़ा लो, एक कह रहा है जीरो से बड़ा लो, तो क्या लोगे कि दोनों खुश रहे? तो जीरो से बड़ा। समझ गए ना बच्चों? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान से मेहनत करके अगर समझोगे कि रूट का लोकेशन कहाँ हो रहा है, इसमें बहुत हाई फाई क्वेश्चन भी आते हैं, तो रूट्स के लोकेशन कहाँ हो रहे हैं इसको ध्यान दोगे बच्चों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुम सीख पाओगे। क्लियर? तो मेहनत करते रहो, मेहनत करने से ही तुम्हें कुछ सीख पाओगे, ध्यान समझो। अगर मान लो कि हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक में हम पढ़े क्या, तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, द्विघात व्यंजक कहते हैं। इसका ग्राफ या तो ऐसे होता है, और यह ग्राफ तीन तरीका का हो सकता है, हो सकता है एक्स एक्सिस को ना काटे, एक्स एक्सिस को ना काटे इसका मतलब कभी जीरो ना हो, क्योंकि एक्स एक्सिस काटने का मतलब ही वाई जीरो हुआ, एक्स एक्सिस पर ही वाई जीरो होता है तो कभी नहीं काटा तो कोई रूट नहीं मिला, एक जगह काटेगा यानी एक जगह ही जीरो हुआ है, अल्फा बीटा बराबर है, या दो जगह काटे तो अल्फा बीटा, इसका भी तीन नेचर हो सकता है, एक जगह और दो जगह, इस तरह से। क्लियर है बच्चों? तो छह तरह का क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, उसके आधार पे बाकी चीजों को भी तुम्हें समझना होगा। इसमें समझने वाला मेन बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पर ग्राफ जीरो होता है, तो एक साइड अगर पॉजिटिव हुआ तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव होगा, यहां पे अगर वैल्यू जीरो है तो एक साइड प्लस तो एक साइड माइनस, फिर यहां पे जीरो है यहां माइनस तो यहां प्लस, क्योंकि जीरो का एक साइड प्लस होता है तो एक साइड माइनस होता है। तो अगर ग्राफ इस प्रकार का है तो यह कंडीशन है कि एक एक रूट से ज्यादा प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया, और ऐसे ग्राफ है, ऐसे अगर ग्राफ है तो यहां पे देखो अल्फा बीटा, एने माइनस एने प्लस, यहां माइनस, इस तरह से। तो रूट्स के बीच में अगर कोई नंबर है तो प्लस वैल्यू देगा, और रूट्स के बाहर कोई नंबर है तो वह माइनस वैल्यू देगा, तो इस तरह के इसमें कंडीशन होते हैं। यह जो चार सवाल हम तुम्हें बताए हैं आज, बस चार सवाल जो तुम्हें बताए हैं, इसको बार बार रिपीट करके देखोगे या सीखोगे कि कैसे ग्राफ ड्रा किए, कैसे नंबर हम लोग बनाए, क्या क्या चीजें इसमें हम सीखे, यह बात जानना बहुत जरूरी है बच्चों। एक उल्टा वाला क्वेश्चन भी बना देते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के बराबर जीरो, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन है थ्री लाइज बिटवीन रूट्स, थ्री रूट्स के बीच में लाई करेगा, नेचर ऑफ ग्राफ तो इस प्रकार का होगा, तीन रूट के बीच में रहेगा तो तीन यहां होगा, या अल्फा होगा या बीटा होगा, तो थ्री भरने पर पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए,
कि देखो बीटा इधर निगेटिव वैल्यू दिया है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तीन भर में वैल्यू क्या है, ऊपर नापना है, ऊपर नापना मतलब पॉजिटिव, नीचे नापना मतलब निगेटिव, तो एक सीधा थ्री भरोगे तो जो वाई है वह पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस में वैल्यू देगा, तो थ्री का स्क्वायर फोर इंटू थ्री प्लस के, यहाँ पे बारह में से नौ गया तीन प्लस के, तो के जो आया माइनस तीन से कम है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से मेहनत से समझोगे बुझा जाएगा बच्चों, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। तो हम लोग अलग अलग इसके हाई फाई कॉन्सेप्ट को भी बता सकते हैं, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स को थोड़े दिनों के बाद फिर से लेके आएंगे। अभी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक के जो भी पांच छह वीडियोज गए हैं उन्हें कंप्लीट करो, इन्हें अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बताएंगे बच्चों। जितना क्वाड्रेटिक हम तुम्हें बताए हैं उतना प्लस टू में अगर तुम जानते हो तो बहुत जानते हो, लेकिन अभी बहुत जानना भी है। मिलते हैं अगले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को लेकर।